इंसान की तबीयत अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी बनाई है कि नापसंदीदा बात पर इंसान को गुस्सा आता है, नापसंदीदा चीज़ देखे इसे गुस्सा आता है, मगर हर चीज़ की एक हद होती है। शरीयत ने भी कहा कि हम अपने गुस्से को हुदूद में रखें। जब ये गुस्सा हद को फलांग लेता है और इंसान गुस्से की वजह से वो कुछ कर लेता है जो शरीयत ने मना किया, तो ये गुस्सा फिर हराम बन जाता है। यही गुस्सा जायज़ था। गुस्सा इबादत है अगर शरीयत के अंदर हो। मिसाल के तौर पर अगर औलाद को माँ बुरे कामों से, बुरी आदतों से मना नहीं करेगी तो उसके अंदर तो बुरी आदतें पैदा हो जाएंगी। लिहाजा औलाद को ये पता होना चाहिए कि मेरी अम्मी में गुस्सा भी है, वो फिर ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो खिलाफ़ शरा हो, कोई ऐसा अमल नहीं करेगी जिसका नतीजा ज़िल्लत व रुसवाई हो। तो ऐसी माँ अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकेगी? और जो माँ ये कहती रहे बच्चों को कि तुम्हारे अब्बू आएंगे तो मैं तुम्हें ठीक कराऊंगी, तो गोया इन अल्फाज के कहने से औरत ने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया कि मैं अपने बच्चों की तरबियत करने के काबिल नहीं हूँ। हालांकि जो अच्छी माएँ होती हैं वो बच्चों को प्यार भी बहुत देती हैं, मगर बच्चों पर अपना वाब भी रखती हैं। जिस तरह आम आदमी शेरनी से डरता है, इसी तरह वो बच्चे कोई बुरी हरकत करते हुए अपनी माँ से डरते हैं। इनको पता होता है कि प्यारे काम पता होता है कि प्यार के काम पर अम्मी प्यार देगी, और उल्टे काम करेंगे तो अम्मी हमें गुस्सा के साथ पेश आएगी। तो अच्छी औरतें औलाद के ऊपर अपना रुअब रखती हैं। ये शरीयत ने एक अच्छी चीज़ बनाई है। मर्द तो हर वक्त घर में नहीं होते, कोई दफ्तर में है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई बिजनेस में लगा हुआ है। ज़्यादा वक्त तो घर पर औरत को ही गुजारना होता है, तो औलाद की हिफाजत इसी को करनी है। और वो इस तरह के बच्चों को मोहब्बत भी दे, प्यार भी दे, मगर इतना दे कि वो बिगड़ने ना पाए। इतना प्यार दे देना कि औलाद बिगड़ जाए, ये माँ की बेवकूफ़ी होती है। अच्छी माँ वो होती है जो अपनी औलाद को काबिल बनाए, फर्मा बरदार बनाए, आदाब सिखाए, उनकी अच्छी तरबियत की जाए, जो इंसान की हिफाजत करता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत के अंदर गुस्सा रखा है। तो गुस्सा एक अच्छी सिफत है जो इंसान की हिफाजत करता है। इस सिफत की वजह से माँ अपने बच्चों को सीधा रखती है। अगर बिलफर्ज यही औरत किसी काम की खातिर घर से निकली या घर में मौजूद है और किसी गैर महरम ने इसकी तरफ देखने की कोशिश की, तो अब अगर इसके अंदर गैरत होगी तो ये इस बात का बुरा मानेगी, या अगर कोई गैर महरम मर्द इसके साथ फ़ोन पर ज़रूरत से ज़्यादा कलाम करने की कोशिश करेगा तो ये गुस्सा करेगी। ये कौन होता है मुझसे बात करने की जुरअत करने वाला? अब ये गुस्सा इसके लिए इज्जत और पाक दामनी को हासिल करने का सबब बन गया। तो ये गुस्सा अल्लाह ताला की नियामत है।
क्योंकि बात करने वाले मर्द को अगर महसूस हो कि मेरी बात का उस औरत ने बुरा माना तो वो कभी दोबारा बात करने की कोशिश नहीं करेगा। जिसको पता हो कि मेरी आंखें ऊटने पर उस औरत ने बुरा माना वो कभी उस औरत की तरफ आंख उठाने की जुरअत नहीं करेगा। तो देखें ये गुस्सा कितनी बड़ी नियामत है जिससे इंसान की इज्जत व आबरू की हिफाजत होती है और इंसान के बच्चों की भी हिफाजत होती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान को ये सिफत अता फरमाई।